हेलो भाई, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बैठा हुआ हूँ वॉक्सवैगन वर्टस 1.5 जीटी लाइन के अंदर, और इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वर्टस 1.5 का, आपको वर्टस में भी यही मिलेगा 1.0 भी अगर आप लेते तो ये क्या कुछ फीचर्स आपको ऑफर कर देता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो, अभी गाड़ी बंद है बिल्कुल, ये ब्लैक सा दिखता है। बाकी अगर आप देखते हो तो कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन नहीं आती है आपको, यहाँ यहाँ तक सिर्फ स्क्रीन मिलती है। बाकी ये थीम सा लाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये आपको टेम्परेचर और ये फ्यूल गेज आपको डिजिटली देखने को मिल जाता है। यहाँ व्यू वाला बटन अगर आप दबाते हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो भी बटन है वो यहीं पर दिया गया है स्टीयरिंग व्हील पर ही। यहाँ पर अगर आप व्यू वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखो तो नीचे बीच में आपको सिर्फ गियर इंडिकेटर शो होता है, स्पीड आपको मिलेगी, आरपीएम इसमें नहीं देखने को मिलता है, साइड में आपको डिजिटल स्पीड देखने को मिल जाएगी भले ही। वहीं पे अगर आप दोबारा से इस व्यू वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे आपको आरपीएम मिल जाएगा। तो अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाएं तो आप देखो यहाँ पे आरपीएम दिखा रहा है, और अभी गाड़ी है अपनी पार्क मोड में तो ये इतना दिखाता है इस तरीके से, और बीच में अपना वो दिखाता है पार्क गियर शो करता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर आपको दिखाएं बीच का जो भी अपना आप डेटा है उसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पे अगर आप जाते हैं पेज को सिलेक्ट करते हैं, आप देखो यहाँ पे आप सिर्फ डिजिटली भी पा सकते हो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप इस तरीके से पा सकते हो सिर्फ स्पीड, और यहाँ पे आप आरपीएम के साथ भी पा सकते हो। 8000 तक की मार्किंग मिल जाती है, 6000 से अपना रेडलाइन जो है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है और वर्टस आपको डीजल में मिलती भी नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ दोबारा से जाएँ इस वाले पेज वाले वर्जन पर जाते हैं, आप देखो यहाँ पे अगर आप अप वाला बटन दबाते हो तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे गियर डिस्प्ले दिख रहा है, एवरेज स्पीड दिख रही है, डिस्टेंस टाइम दिख रहा है, एवरेज इकोनॉमी दिख रही है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, सेटिंग में ओके दबाएंगे, सेटिंग के अंदर हम एंटर हो जाएंगे और सेटिंग में आप देख सकते हो ड्राइविंग डेटा आपको देखना है, इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, डिस्टेंस टाइम, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, ऑयल टेम्परेचर, मतलब ये सेटिंग आप कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कि आपको क्या क्या चीज़ें शो करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं शो करनी है, जो वहाँ पे अभी शो कर रहा था। और बैक जाने के लिए वापस से बटन दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड हैं। ये आपको नो डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कोई डिस्प्ले आपकी दिखे नहीं, मतलब बीच में कुछ भी ना दिखे, ब्लैंक रहे। यहाँ पे होता है आपका ड्राइविंग डेटा, आप ड्राइविंग डेटा में आप क्या क्या चीज़ें देखने चाहते हो ये देखो, जैसा कि मैंने अपनी रिव्यू वाले वीडियो में बताया था, आप देखो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा आपको सिंस स्टार्ट भी दिखाता है, लॉन्ग टर्म भी दिखाता है और सिंस रिफ्यूल भी दिखाता है। लॉन्ग टर्म मतलब आप जब से आपने गाड़ी ली है उसके बाद से आप ड्राइविंग डेटा को देख सकते हैं। सिंस स्टार्ट आप देख सकते हैं, मतलब सुबह जब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया उसके बाद से आपकी ड्राइविंग डेटा, मतलब उसके बाद आपने कैसे चलाया एवरेज, उसके बाद गाड़ी ने कैसी दी। उसके बाद आप सिंस रिफ्यूल भी देख सकते हैं कि जब आपने टैंक फुल कराया तो उसके बाद आपकी गाड़ी ने एवरेज क्या दी, आपने एवरेज स्पीड क्या रखी थी और आपने कितने किलोमीटर टोटल गाड़ी को चलाए। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप कौन सा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंस स्टार्ट को सिलेक्ट किया गया है, बाकी आप यहीं से ही दोनों को रीसेट भी कर सकते हैं। बैक चलते हैं, नीचे आते हैं इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई किलोमीटर पर लीटर इकोनॉमी यहाँ पे दिखाई लगेगी, तो ये भी आपको एक मोड देखने को मिल जाता है। ये हो गया, उसके बाद एवरेज इकोनॉमी, वो था इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भाई, और ये है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी सिंस स्टार्ट, तो ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। डिस्टेंस और टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपने कितना डिस्टेंस कितने देर में कवर किया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, आप ये भी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड भी दिख जाती है कि आपने गाड़ी की क्या एवरेज स्पीड मेंटेन की है। मैं जितने ही पेजेस चेंज कर रहा हूँ वो इस गोल से जो राउंड वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर की चीज़ें चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको गियर डिस्प्ले मिलता है जो पी है, डी है, ऐसे इसे अगर हम चेंज करते हैं तो पी मोड में है, अभी ये रिवर्स मोड में है, ये अभी न्यूट्रल में है। न्यूट्रल के बाद आपको यहाँ पे डी मोड में मिलता है, स्पोर्ट्स मोड में मिलता है। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी में कोई अलग से पावर नहीं आती है भाई, डी मोड में भी अगर आप चलाते हैं तो इंजन अपना सफिशियंट पावर निकाल रहा होता है, बट स्पोर्ट्स मोड में जो गियर चेंजिंग रेशियो है वो चेंज हो जाता है, हाई आरपीएम से जाकर गाड़ी गियर चेंज करने लगती है। और यहाँ पे आपको मैनुअल मोड भी मिल जाता है। अगर आप इस देखो आप यहाँ डी मोड पे हो मतलब आप ऑटोमेटिक आपका गियर चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट्स मोड में हो तो भाई आप गियर चेंज कर सकते हो इससे भी, या फिर गाड़ी अपने हिसाब से चलेगी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप लीवर से चेंज कर सकते हो, चेंज करना चाहते हो मैनुअल मोड में जाके, तो आप नीचे जा सकते हो। तो यहाँ पे दिखा रहा है M1 M2 करके, यहाँ से भी आप पैडल शिफ्टर से भी गियर्स को चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई भाई। अब यहाँ पे अगर देखें और आपको क्या यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, तो बीच में आपको अब ऑयल टेम्परेचर मिल जाता है कि ऑयल टेम्परेचर क्या है, इंजन ऑयल टेम्परेचर, तो ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऑडियो भी मिल जाएगा, आप जो भी गाना चला रहे हो, जैसे हमने अभी सिद्धू मूसेवाला का जी सेट चलाया था तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि ये गाना यहाँ पे चला हुआ है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टेलीफोन मिल जाएगा, आपने आपका फ़ोन कौन सा कनेक्टेड है, गाना कौन सा चल रहा है, बैटरी कितनी है, वहाँ पे नेटवर्क कितना है, जैसे मेरा फ़ोन कनेक्टेड है तो ये सारे डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो।
उसके बाद यहाँ पे आप डिजिटल स्पीड भी देख सकते हो। अब ऊपर में आपका आरपीएम चल रहा है, नीचे में आपका डिजिटल स्पीड दिखा रहा है, ये चीज़ बेस्ट है। तो ये फीचर्स भाई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर कर देता है। बाकी सारी वार्निंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ये जो है अपना 1804 दिखा रहा है टाइम, इसे आप इंडियन 24 आवर फॉर्मेट से हटा के 12 आवर फॉर्मेट में भी रख सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आउटसाइड टेम्परेचर दिखाता है, यहाँ पे आपको फ्यूल दिखाता है, फ्यूल लेवल, यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर दिखा देता है, यहाँ पे आपकी पार्किंग ब्रेक एंगेज्ड है, और यहाँ पे दिखाता है कि आपको ब्रेक प्रेस करना है। जब मैं ब्रेक प्रेस करूँगा, अभी देखो ब्रेक प्रेस नहीं है, मैं बटन दबाऊँगा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ ऑफ होगी ऑन होगी। अब अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ब्रेक प्रेस करनी है, ब्रेक प्रेस करने के बाद अगर मैं बटन दबाता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये है भाई 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स, और अभी यहाँ से इसे बंद करते हैं। और जब भी आप यहाँ से एंटर करोगे, इसे बंद करने के बाद आपने जितने भी ड्राइविंग टाइम आपका था, जो भी डेटा था, वो सारा लास्ट में आपको शो करेगा। उसके बाद धीमे 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 करके, अचानक से बंद नहीं होता भाई, धीमे धीमे करके ये डिस्प्ले जो है वो बंद हो जाएगा। तो यही थे भाई फीचर्स जो जो ये डिस्प्ले ऑफर करता है, जो जो सेटिंग्स ये डिस्प्ले ऑफर करता है वोक्सवैगन वोल्टिस का। बाकी आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने रिव्यू में नहीं बताया था। इसका कलर है भाई ब्लैक सा कलर है, डार्क कलर है इस गाड़ी का, इसलिए यहाँ पे आपको देखो ब्लैक ब्लैक सा थीम मिलता है अंदर में। अगर आप वहीं वोल्टिस का GT लाइन रेड वाला लेते हो तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये सारा रेड हो जाता है, और बाकी रेड एम्बिएंट लाइट आपको GT लाइन में मिलेगी। अगर आप नॉर्मल सा टॉप लाइन वाला देखते हो तो वहाँ पे आपको व्हाइट लाइट मिल जाती है। तो ये चीज़ें थी भाई, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें भी नीड हो उनके साथ। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।